साथ एक नारा देंगे आप, पक्का देंगे, लेकिन फिर आपको निभाना पड़ेगा। निभाएंगे? मैं कहूंगा मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी। क्रांतिवीर शहीद लक्ष्मण नायक, राजा विक्रमादेव, गोपीनाथ गारा, राधा कृष्ण विश्वास राय, राधा मोहन साहू जैसे कोरापुट और ओडिशा के हर नायक को मैं नमन करता हूं। अभी चैती पर्व मनाने का समय है। चैती पर्व आपसी स्नेह को बढ़ाने वाला उत्सव है। इस त्योहार के लिए मैं आप सब उड़ीसा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं बहन कमला जी और पूरे उड़ीसा को, देश के हर आदिवासी वनवासी समाज को पद्म पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मां कमला जी स्वयं यहां आई, मंच पर आकर के मुझे आशीर्वाद दिए, परंपरागत रूप से मेरा स्वागत किया। मां कमला के आशीर्वाद जब कमल को मिल जाते हैं तब वो आशीर्वाद की ताकत बहुत बढ़ जाती है। कोरापुट में धान की सैकड़ों स्थानीय किस्मों को संरक्षित करने के लिए जो काम कमला जी ने किया है, उसका पूरे विश्व में आज गौरवगान हो रहा है। आप जैसों से ही ये देश है और आप जैसे कामगार ही नए भारत के नए संस्कार की पहचान है। साथियों, 2014 में जब मैं ओडिशा के लोगों के बीच आया था तो कहा था कि पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपके प्रधान सेवक के तौर पर मेरी ये कोशिश रही है कि मेरे प्रयासों में किसी भी प्रकार की न कोई खोट रह जाए, न कोई कमी रह जाए। इन 5 वर्षों में आपने जिस तरह मेरा साथ दिया है, मुझे दिशा दिखाई है, विरोधियों के अनेक वार के सामने आप सबने मिलकर के मुझे सुरक्षा दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एक प्रकार से आज मैं पूरे देश का भ्रमण देशवासियों का धन्यवाद करने के लिए निकला हूं, क्योंकि देशवासियों ने मुझे आशीर्वाद न दिया होता, उड़ीसा के मेरे भाइयों बहनों, 5 साल तक आपने अगर मुझे आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग न दिया होता तो आज जो काम दिख रहा है वो मैं कैसे कर पाता। और इसलिए मेरा सबसे पहला काम है
देशवासियों का, उड़ीसा वासियों का धन्यवाद करना। अगर आज आपका ये सेवक उड़ीसा में 8 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर दे पाया है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से यहां के 40 लाख घरों में धुएं से मुक्ति दिला करके गैस का चूल्हा दे पाया है, 3000 गांवों में अंधेरा मिटा करके बिजली पहुंचा पाया है, आपका जीवन रोशन कर पाया है, 24 लाख घरों में जहां अंधेरे की जिंदगी थी बिजली मुफ्त में पहुंचाकर मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दे पाया है, तो इन सब सफलता के पीछे आप ही का साथ, आप ही का सहयोग, आप ही की प्रेरणा रही है, आप ही का आशीर्वाद रहा है, आप ही का समर्थन रहा है। अगर मेरी सरकार की 5 साल की सफलता का, अगर मेरी सरकार की 5 साल की सफलता का कोई हकदार है तो भारत की जनता है, भारत का मतदाता है, उड़ीसा की जनता है, उड़ीसा का मतदाता है। मैं आज भगवान जगन्नाथ जी की धरती से आपका भी धन्यवाद करता हूं और इस पवित्र धरती से, और जब ऐसे वीर नायक के फांसी का दिवस है, स्मरण का दिवस है, त्याग और बलिदान की स्मृति का दिवस है, मैं देशवासियों का भी इस पवित्र दिवस पर आदर पूर्वक धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप तक विकास की पंचधारा पहुंचे, यानी बच्चों को पढ़ाई, बुजुर्गों को दवाई, युवाओं को कमाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया है। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज के कल्याण से जुड़े बजट में भी लगभग 30% की बढ़ोतरी की है। बीते 5 वर्षों में वन उपज पर जो समर्थन मूल्य सरकार देती है उसे 3 बार बढ़ाया गया है। 5 वर्ष पहले जहां 10 वन उपजों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP मिलता था, अब वो संख्या बढ़ाकर 10 में से हमने 50 हो चुकी है। 50 भाइयों और बहनों, ओडिशा के विकास के लिए आपके इस सेवक ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां सड़क, रेल, गैस और दूसरे उद्योगों से जुड़े काम हो रहे हैं। रेलवे के क्षेत्र में यहां अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। रायगढ़ में नया रेल डिवीजन बनाया गया है और साथ ही रेल लाइन का विस्तार नवरंगपुर और मलकानगिरी तक किया जा रहा है। गांव गांव में सड़कों का जाल बिछाने के लिए फंड की कोई कमी न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। युवाओं को, महिलाओं को रोजगार मिले, इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। उन्हें मुद्रा योजना के तहत
बिना बैंक गारंटी कर्ज दिया जा रहा है। साथियों, आज ओडिशा की इस धरती से मैं अपने वैज्ञानिकों को, देश की रक्षा सुरक्षा के चौकीदारों को फिर एक बार बधाई देता हूं। आप सब भी हमारे देश के सुरक्षा बलों के लिए, हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए तालियां बजा करके उनका सम्मान कीजिए, उनका गौरव कीजिए। जब हमारे विरोधी सेना को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जब हमारे विरोधी वैज्ञानिकों के सिद्धियों को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं, तब जनता जनार्दन तालियों की आवाज से उनका मुंह बंद करे। दो दिन पहले ही उड़ीसा एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि का गवाह बना है जिसने पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित कराया है। भारत अब अंतरिक्ष में भी चौकीदारी करने में सक्षम है। साथियों, जब अंतःकरण साफ होता है तो अंतरिक्ष में भी सफलता तय होती है। ये नए भारत के नए आत्मविश्वास की ताकत है जिस पर पूरा देश आज गर्व कर रहा है। और हां, जिन लोगों को भारत की ये उपलब्धि छोटी नजर आ रही है, उनकी कथनी और करनी को भी पूरा देश देख रहा है। 7 दशकों से गरीबों के साथ गद्दारी कर रहे लोग अब इतना बौखला गए हैं कि देश के वैज्ञानिकों, देश की सेना, देश के नौजवानों के सामर्थ्य सबका आए दिन सुबह शाम अपमान करने लगे हैं। क्या ये अपमान आपको मंजूर है? ये अपमान हम स्वीकार कर सकते हैं? ये अपमान करने वालों को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? सेना का अपमान करने वालों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? वैज्ञानिकों का अपमान करने वालों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? उड़ीसा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भारत आतंकियों पर कार्रवाई करता है, उन्हें घर में घुसकर मारता है, तो भी ये लोग सबूत मांगते हैं। आप मुझे बताइए, आपको सेना पर भरोसा है कि नहीं है? सेना पर, सेना पराक्रम करने में सामर्थ्यवान है कि नहीं है? सेना ने पाकिस्तान को मुंह की खाने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया है? आपको भरोसा है? आपको विश्वास है? ये हमारे विरोधियों को नहीं है। एक महीना हो गया पाकिस्तान लाशें गिनने में लगा हुआ है और ये सबूत मांग रहे हैं। साथियों,
मतदान के दिन जब आप पोलिंग बूथ जाएंगे तो एक स्पष्ट मन बनाकर जाइएगा। आपको यह तय करना है कि आतंक के ठिकानों में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या फिर घबराकर नीची मुंडी करके बैठ जाने वाली सरकार चाहिए। आप बताइए, दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पूंछ दबाकर भागने वालों की जरूरत है क्या देश को? आपको यह तय करना है कि निर्णय करने वाली सरकार चाहिए या सिर्फ नारेबाजी करने वाली सरकार चाहिए? निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? कड़े निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? समय पर निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? ओडिशा और भारत को मजबूत करने वाली सरकार चाहिए या कमजोर मजबूर सरकार चाहिए? आपको मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? उड़ीसा को मजबूत सरकार की जरूरत है कि नहीं है? हिंदुस्तान को मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? इनको तो मजबूर सरकार चाहिए। ऐसी ढीली ढाली 10 कदम चलने में भी 10 मिनट लग जाए, क्या ऐसी सरकार चाहिए क्या? आपको तय करना है कि जिस कांग्रेस को आपने दशकों तक उड़ीसा का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिस बीजेडी को विकास के लिए इतना समय दिया, उसे आपका भरोसा तोड़ने की क्या सजा दी जाए? सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये मौका जाने देंगे क्या? आप बार बार चूक जाते हैं और इसी से वो मजा ले रहे हैं। अब हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? आपको तय करना है कि जो सरकारें नक्सली हिंसा पर काबू नहीं पा सकती, जो उसके आगे कमजोर नजर आती है, उन्हें क्यों सजा न दें? भाइयों और बहनों, 2019 का यह चुनाव सिर्फ एक सांसद का चुनाव नहीं है, सिर्फ एक विधायक का चुनाव नहीं है। ये चुनाव केंद्र और राज्य में विकास का डबल इंजन लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के चुनाव का समय है। ये आने वाले 5 वर्षों में नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण का चुनाव है। साथियों, ओडिशा मजबूत तब बनेगा जब यहां का आदिवासी, यहां का किसान, यहां का नौजवान आगे बढ़ेगा। जब यहां राज्य में और केंद्र में दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तब ये सपना पूरा होगा। जब सबका साथ सबका विकास होगा, तभी ओडिशा मजबूत होगा, पूर्वी भारत मजबूत होगा, पूरा भारत मजबूत होगा। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? मैं आपको सवाल करूं, आप जवाब देंगे? क्या चिट फंड में घोटाला करने वाले गरीबों की पाई पाई अपनी तिजोरी में भरने वाले ओडिशा को मजबूत बना पाएंगे, उड़ीसा को मजबूती दे पाएंगे, उड़ीसा का भला कर पाएंगे? क्या आदिवासियों की संपदा
आपके संसाधनों पर कोरापुर रायगढ़ यहाँ के तमाम आदिवासी अंचलों में खनन माफिया को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोग ओडिशा को मजबूत बना सकते हैं क्या? आपका उन पर रत्ती भर भी भरोसा है क्या? क्या जिनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों पर अत्याचार करने वालों को सजा देने में जो नाकाम रहे हैं, ऐसे लोग ओडिशा को सुरक्षित और मजबूत बना पाएंगे क्या? माताओं बहनों को रक्षा दे पाएंगे क्या? गुनहगारों को सजा करवा पाएंगे क्या? मुझे आपका जवाब पता है, जो आप दे रहे हैं यही जवाब आएगा, ये मैं भलीभांति जानता हूं, क्योंकि आपने ये दर्द झेला है, ये मुसीबत झेली है, ये आपके दिल की आवाज है। अब ये दिल की आवाज मतदान के दिन कमल के निशान पर बटन दबा करके निकलनी चाहिए, निकलेगी ना साथियों? आपके ये काम पूरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आप बताइए, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आपका चौकीदार करेगा कि नहीं करेगा? यह आपका चौकीदार कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर हिंदुस्तान में कर सकता है, ओडिशा में क्यों नहीं कर सकता? भाइयों बहनों, एक बार मौका तो देके देखो। चौकीदार सजग अच्छी, मोभी चौकीदार, नानू सके चौकीदार, नानू चौकीदार में भी पैन कांची मांझा मानी। साथियों, जब हम और आप चौकस होकर चौकीदारी करेंगे, तभी भ्रष्टाचारी और अत्याचारी डरेंगे। आपके इस काम के लिए, आपके इस अभियान के लिए आपका ये चौकीदार आपके साथ है। भाइयों और बहनों, ओडिशा में प्रकृति ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, संपदा ही संपदा बिखेरी है। और जब मैं गुजरात में काम करता था, मैं हमेशा प्रार्थना करता था, हे भगवान जगन्नाथ, जो उड़ीसा के पास है, अरे एक मुट्ठी पर मुझे दे दो, मैं गुजरात को कहां से कहां ले जाऊंगा, ऐसा मैं सोचता था। इतनी ताकत उड़ीसा के पास पड़ी है, यहां प्राचीन मंदिर है, सुंदर झरने हैं, घने जंगल है, विश्व प्रसिद्ध तालाब है, समुद्री तट है, पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, युवाओं को यही रोजगार उपलब्ध कराने के अनेक अवसर है। उड़ीसा प्राकृतिक संपदा से अमीर है, लेकिन यहां के लोग गरीब हैं, और ये कांग्रेस और बीजेडी की सरकारों की नाकामी का जीता जागता सबूत है। साथियों, बीते 7 दशकों में जिन्होंने यहां सरकारें चलाई है, उन्होंने ओडिशा को गरीबी और भुखमरी के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। गरीबों और आदिवासियों के नाम पर योजनाएं बनती है, लेकिन बिचौलिए और दलाल उसका फायदा लूट लेते जाते हैं, और असली लाभार्थी बेचारा सर पकड़ करके रोता रहता है। यही इनकी योजनाओं का हाल रहा है। स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नाइक के गांव में सुविधाओं का क्या हाल है, ये मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। संसाधनों से समृद्ध भारत का एक क्षेत्र
विकास में बहुत पीछे रह गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो रवैया रहा है वो भी आप भली भांति जानते हैं। कोरापुट में तो ऐसी घटनाएं भी देश ने देखी है कि इलाज तो मिला नहीं, मृत्यु के बाद भी अपमानित होना पड़ता है। साथियों, आपके इस चौकीदार ने इस हालत को बदलने का गंभीर प्रयास किया है। हम देश भर की बड़ी पंचायतों में अस्पताल खोलने पर काम कर रहे हैं। देश भर में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। गांव गांव में बच्चों और प्रसूता माताओं को टीके लगाने का काम जोरों पर चल रहा है। भाइयों और बहनों, सारे देश में हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से ओडिशा के गरीब आदिवासी परिवारों को हमारे इन प्रयासों का लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। साथियों, आज दुनिया आयुष्मान भारत की चर्चा कर रही है। ये दुनिया भर में गरीबों को मुफ्त इलाज देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। देश भर के लगभग 50 करोड़ गरीबों को इसके तहत हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, देश भर के 17 लाख गरीब मरीजों को इतने कम समय में इसका लाभ मिला है, इलाज हो चुका है। लेकिन 17 लाख लोगों में भी मेरे उड़ीसा का एक भी गरीब नहीं है, एक भी मरीज नहीं है। आपको लगेगा मोदी ने अन्याय किया? जी नहीं, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे यहां की सरकार जिम्मेवार है। इस योजना के शुरू होने के पहले से मैं यहां की सरकार को आग्रह कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आयुष्मान योजना से जुड़ जाइए। लेकिन पता नहीं, उनको आपकी परवाह नहीं है कि उनका कुछ और गणित है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इस योजना से जुड़ ही नहीं रही है। साथियों, अगर ओडिशा की सरकार इसमें शामिल हो जाती तो सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि देशरे के किसी दूसरे राज्य के अस्पतालों में भी यहाँ के मेरे गरीब साथी को मुफ्त इलाज मिल जाता। मान लीजिए ओडिशा का कोई नागरिक दिल्ली गया है, वहां काम कर रहा है, वहां बीमार हो गया, तो अगर आयुष्मान योजना है तो उसको वहां की बड़े बड़े अस्पतालें भी उसकी सेवा करेंगी। अगर वो सूरत में गया है और सूरत में नौकरी कर रहा है, वहां कुछ हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो वहां पर आयुष्मान योजना होगी तो लाभ मिलेगा। अगर कोलकाता गया है, वहां काम कर रहा है, आयुष्मान की योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ये यहां की सरकार समझने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि गरीबों के प्रति उसे संवेदना नहीं है। गरीब कैसे जी रहा है वो कभी घर के बाहर जाकर के इस सरकार को देखने की फुर्सत नहीं है। भाइयों, साथियों, जो खेल इन्होंने आपके स्वास्थ्य के साथ किया, वही खेल किसानों के साथ भी कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के जिन 12 करोड़ किसान परिवारों को हम सीधी मदद बैंक खाते में दे रहे हैं, हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए
बैंक खाते में 12 करोड़ किसान परिवारों को पहुंचने वाले हैं। उनमें से एक भी उड़ीसा का किसान नहीं है। देश के किसानों को लाभ मिल रहा है, लेकिन उड़ीसा के किसानों के सामने यहां की सरकार राजनीतिक कारणों से दीवार बन के खड़ी हो गई है, क्योंकि यही यहां की सरकार ने जो किसान लाभार्थी है उनकी सूची भी देने की उनको फुर्सत नहीं है। इतना ही नहीं, खुद जो किसानों की मदद का वादा किया था उस योजना का हाल क्या है ये आप सभी देख ही रहे हैं। हाल में मीडिया में आया था कि किसानों के नाम पर यहां फर्जी लोगों को मदद देने का एक बहुत बड़ा सिलसिला चल पड़ा है। ये खेल अब बंद होने का समय आ गया है। साथियों, यहां की सरकार कैसे काम कर रही है इसका एक और उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। आपके इस चौकीदार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक और नई व्यवस्था की शुरुआत की है। यहां से जो खनिज निकलता है उसका एक हिस्सा यहां ही विकास में लगाना सुनिश्चित किया है। आप यहां से सब ले जाओ, ये मोदी के राज में नहीं चलेगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड में उसके कारण उड़ीसा को लगभग 6,500 करोड़ रुपए, 6,500 करोड़ छोटे आंक नहीं है, लेकिन यहां की सरकार ने 6,500 करोड़ में से गरीब आदिवासियों की भलाई के लिए सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया, 5,500 करोड़ रुपए ऐसे ही सड़ रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछूंगा, क्या ऐसी सरकार जो आपके पैसों को तिजोरी में बंद करके बैठ गई है, ऐसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पूरी ताकत से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? क्या ओडिशा में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब उन्हें विदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, मैं मानता हूं कि ओडिशा की वर्तमान सरकार ने आपके हितों की परवाह की होती, आपके जीवन को आसान बनाने को प्राथमिकता दी होती, तो विकास के और ज्यादा कार्य यहां हुए होते। जिस तरह आज एनडीए के नेतृत्व वाली सरकारों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तर पूर्व के राज्य में, अनेक राज्यों में अनेक कार्य हो रहे हैं, तेज गति से हो रहे हैं, जनता की भलाई के लिए हो रहे हैं, वो सारे कार्य तेज गति से यहां भी होते अगर उड़ीसा में भाजपा की सरकार होती। मुझे विश्वास है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में आप इस कमी को पूरा करेंगे। साथियों, यहां जो लोग सरकार में बैठे हैं उन्होंने जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया है। उनको तो लगता है जनता हमारी जेब में है। जब तक उनको झटका नहीं देंगे ना, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है। इसलिए मैं आपको फिर याद दिला दूं, ओडिशा के लोगों को इस बार केंद्र और राज्य में विकास का डबल इंजन लगाने वाली सरकार को वोट देना है।